हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज एन जेएसपी। तो जेएसपी पेज किस तरह से क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम दो वे से जेएसपी पेज क्रिएट करेंगे। वन दैट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड सेकेंड दैट इज एन एक्सएमएल फॉर्मेट। ओके, सो ये जो प्रैक्टिकल है हम हमारे नेटबीन्स आईडी 8.1 इस वर्जन के अंदर करने वाले। लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि किस तरह से हम नेटबीन डाउनलोड करें, तो नेटबीन्स इफ आपको रिक्वायर्ड होगा तो नेटबीन डाउनलोड सर्च कर सकते हो कोई भी ब्राउजर के ऊपर, तो उसका ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप नेटबीन्स डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको नेटबीन्स डाउनलोड करके एक नेटबीन्स की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप नेटबीन डाउनलोड करो। सिंपल यहां पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल को। सो फॉर एन प्रैक्टिकल पर्पज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फाइल्स न्यू प्रोजेक्ट, इन अ न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट जावा वेब वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट देयर इज नेम वेब एप्लीकेशन, नेम से नेम वेब एप्लीकेशन जेएसपी, इंटर नेक्स्ट फिनिश। ओके, इंटर नेक्स्ट फिनिश, इतना ही आपको करना है। देन आपका इंडेक्स पेज आ जाएगा। ओके, इंडेक्स पेज के ऊपर आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एन इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेम देखिए, जैसे लाइक जेएसपी एग्जाम्पल, जेएसपी एग्जाम्पल हमने जैसे लाइक बात की थी, दो फॉर्म में हम करने वाले, तो जेएसपी स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड सेकेंड होने वाला है और एक डिवीजन क्रिएट करते हैं उसके लिए, जेएसपी एक्सएमएल फॉर्मेट। कि दो फॉर्मेट में हम पेज क्रिएट करने वाले, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो टैग हमने दिए। इसके अंदर जस्ट लाइक वो एंकर टैग हम देंगे फॉर डायरेक्शन पर्पज, जो भी पाथ आएगा हम वहाँ पे लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड जेएसपी पेज, तो जहाँ पे जो पेज आएगा उस वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे फॉर एन हाइपरलिंक एचईआरएफ टैग, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू यहाँ पे। देन एक्सएमएल फॉर्मेट पेज, यहाँ पे हम लिखेंगे उसका जो पाथ होगा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो आपका प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, देन सिलेक्ट जेएसपी। आफ्टर दैट यहाँ पे न्यू जेएसपी की यहाँ पे हम करेंगे एक तो स्टैंडर्ड जेएसपी, जैसे लाइक यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड जेएसपी ऑप्शन एंड एक्सएमएल सिंटैक्स, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो रिक्वायर होगा वो ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट हम स्टैंडर्ड जेएसपी सिलेक्ट करते हो, फिनिश। एक फाइल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू जेएसपी, यहाँ पे लिखो नाम जैसे लाइक एक्सएमएल जेएसपी एंड यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यहाँ पे हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और फाइल यूजिंग एन जेएस एक्सएमएल सिंटैक्स, तो एक्सएमएल सिंटैक्स यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया, फिनिश। ये एक्सएमएल फाइल यहाँ पे हमारी क्रिएट हो गई। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यहाँ पे देने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स पेज है वहाँ पे इसका हाइपरलिंक दे देते, इन द सेंस एच ई आर एफ हाइपरलिंक। सो फर्स्ट यहाँ पे हम देंगे स्टैंडर्ड जेएसपी एंड सेकेंड यहाँ पे देंगे हम एक्सएमएल जो जेएसपी पेज है। ये दोनों का एक्सटेंशन देख सकते हो आप, एक्सटेंशन डिफरेंट है। तो जो नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड जेएसपी पेज है उसका एक्सटेंशन है डॉट जेएसपी एंड जो हमारा एक्सएमएल जेएसपी उसका एक्सटेंशन है जेएसपी एक्स। ओके, इसके अकॉर्डिंगली दोनों का एक्सटेंशन यहाँ पे डिफरेंट है। सिमिलर यहाँ पे जो आइकॉन्स है आइकॉन्स के अंदर भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका नॉर्मल एचटीएमएल पेज, जेएसपी पेज एंड जेएसपी इन एक्सएमएल फॉर्मेट। तीनों फाइल का जो आइकॉन है यहाँ पे डिफरेंट आपको मिल जाएगा इन अ प्रोजेक्ट सेशन, उसके अकॉर्डिंगली भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट
देखते हैं हम हमारा स्टैंडर्ड जेएसपी पेज। ओके तो तीनों के अंदर हमें सेम चीज करनी है, दैट इज एन डिस्क्रिप्टर। तो डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंगली फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे जेएसपी पेज को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे यूजिंग एन टैग हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं कि किस तरह से हम उसको डिक्लेयर करने वाले। तो डिक्लेयर हम क्या कहाँ पे करेंगे, हमारे जेएसपी पेज के बाद में जेएसपी कोलन डिक्लेरेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी डिक्लेरेशन होगा उसका, तो डिक्लेरेशन करेंगे फर्स्ट। तो डिक्लेरेशन के अंदर जो भी नंबर्स ऑफ मेथड वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने, ये सारे थिंग्स आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। ओके डिक्लेयर करने के बाद इन अ बॉडी टैग, बॉडी टैग में इफ आपको मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो उस पर्पज के लिए आप यूज करोगे दैट इज एन जे एस पी एक्सप्रेशन स्पेसिफिक मेथड। तो मेथड के लिए जे एस पी एक्सप्रेशन फॉर एन मेथड, उसके अकॉर्डिंगली जो भी मेथड्स होगी आपकी, तो जे एस पी की मेथड आप यहाँ पे दोगे, एक्सप्रेशन हो गया। देन नेक्स्ट आपको इफ उसका स्पेसिफिकली जो वेरिएबल होगा, जो लॉजिक आपको बिल्ड करना होगा, उसके लिए आप दोगे यहाँ पे जे एस पी कोलन स्क्रिप्टलेट। उसके अकॉर्डिंगली जो स्क्रिप्टलेट आपको डिफाइन करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों थिंग। इसके अंदर का कोड एज इट इज रहने वाला है, कोड के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, कोड एज इट इज वर्क होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है कि जो एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस होने वाला है आपका, वो सिर्फ डिफरेंट फॉर्मेट में होने वाला है। बाकी एज इट इज आप यहाँ पे जो स्क्रिप्टलेट होगा आपका वो यूज करने वाले हो। ओके तो एक्सप्रेशन के अंदर इफ हम फर्स्ट हम डिक्लेयर करते हैं जो भी मेथड है हमारे, तो मेथड मेथड एंड जो वेरिएबल से जो हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। सो मेथड है हमारी जस्ट लाइक यहाँ पे मेथड लेते हैं पब्लिक जावा डॉट अंटिल डॉट डेट के वेरिएबल सिंटैक्स हमने लिया। देन मेथड का नाम देते हैं प्रिंट डेट, उसके अकॉर्डिंगली मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे। इसका रिटर्न टाइप हमारा डेट है, तो रिटर्न जावा ओके रिटर्न ब्रैकेट में न्यू जावा डॉट अंटिल डॉट डेट। ओके ये जो मेथड है यहाँ पे हम यूज करेंगे सेमी कोलन, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो यहाँ पे मेथड नाम देते हैं प्रिंट डेट, प्रिंट डेट मेथड। ओके उसके अकॉर्डिंगली ये मेथड यहाँ पे आ जाएगी, जो प्रिंट डेट हमने यहाँ पे मेथड दिए उसके ये मेथड यहाँ पे कॉल कर दिया हमने। देन सेकंड वेरिएबल लेते हैं जैसे लाइक इंट काउंटर सेमी कोलन। ओके तो काउंटर वेरिएबल यहाँ लिया जो स्क्रिप्टलेट के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ पे नेम देते जैसे लाइक दिस पेज इज विजिटेड, कितने नंबर्स ऑफ टाइम हमने इस पेज को विजिट किया है। तो काउंटर प्लस प्लस काउंटर भी इंक्रीज होना चाहिए एंड उसको डिस्प्ले करने के लिए आउट डॉट प्रिंट एल एन ओके, उसके अंदर आपका जो काउंटर वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना है एंड सेमी कोलन। ओके सिंपल मेथड फर्स्ट कि कौन जैसे कि यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हो आप कि हेलो वर्ड को हम डिलीट करते हैं, टुडेज डेट इज एंड उसके अकॉर्डिंगली डेट एंड टाइम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके सेम हमें क्या करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड इसको सेव कर देते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एज इट इज इसको यूज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहाँ पे हम करेंगे, सेम जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट खत्म होता है एचटीएमएल के पहले। सो डिक्लेरेशन के लिए हमें क्या करना है, लेस देन सिंबल परसेंट
एंड नॉट, एंड उसको क्लोज करते सेम फॉर्मेट में, तो क्लोज करने के लिए परसेंटेज एंड ग्रेटर देन सिंबल, ओके। फिर इसके अंदर जो भी मेथड आपको यूज करने है, सेम मेथड सेम फॉर्मेट हमें यूज करेंगे, पब्लिक जावा डॉट अनटिल अनटिल डॉट सेट, फिर इस मेथड को ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर रिटर्न टाइप, रिटर्न के अंदर जो आपकी वैल्यू होगी दैट इज अ न्यू जावा अनटिल, ओके एक सेकेंड, इसका कंप्लीट कर देते हैं, प्रिंट डेट इसके अकॉर्डिंगली, प्रिंट डेट ओपन क्लोज, अकॉर्डिंगली रिटर्न टाइप जावा अनटिल डेट मेथड, ओके। तो सिंपल सेम मेथड से हमने यहाँ पे कॉल किया, सेम मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, देन यहाँ पे एक वेरिएबल दैट इंट काउंटर वेरिएबल सेमी कोलन, एंड इसके अकॉर्डिंगली सेम यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे दैट लिस्ट टुडेज डेट, टुडे डेट इज इक्वल टू, बाय यूजिंग एन सेम प्रिंट मेथड यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे, सिर्फ एक की जैसे लाइक जो फॉर्मेट होगा फॉर्मेट यहाँ पे अलग होगा डिस्प्ले करने के लिए, लेस देन सिंबल परसेंटेज इक्वल टू प्रिंट डेट मेथड एंड अगेन परसेंट ग्रेटर देन सिंबल, ओके। इसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्प्ले करेंगे इस मेथड को, देन अगेन काउंटर वेरिएबल भी डिस्प्ले करना है, ओके। दिस वेबसाइट विजिटेड कितने नंबर्स ऑफ टाइम, तो काउंटर वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो लेस देन परसेंटेज सिंबल, देन अगेन काउंटर प्लस प्लस सेमी कोलन, ओके। देन आउट डॉट प्रिंट एल एन आउट डॉट प्रिंट, ऑब्जेक्ट हमारा है दैट इज काउंटर, ओके सेमी कोलन, एंड अगेन इस मेथड को क्लोज। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले करेंगे, इसको सेव करते हैं, एंड जो हमारा मेथड है उसको राइट क्लिक रन, ओके। आफ्टर रन जो हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा वहाँ पे हम दोनों भी आउटपुट देखेंगे, तो सिंपल आपको डेट एंड नंबर्स ऑफ टाइम कितने टाइम आपने विजिट किया उस पेज को ये मैसेज आ जाएगा। तो जरा दो फॉर्मेट भी आ गए हमारे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर किस तरह से दिखने वाला है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट टुडे डेट इज इक्वल टू जो डेट, एंड दिस पेज इज विजिटेड फर्स्ट, बैक जाते हैं सेकेंड के ऊपर जाते हैं, सेम टुडेज डेट एंड दिस पेज इज विजिटेड फर्स्ट, कि जितने नंबर्स ऑफ टाइम आप जाओगे उतने नंबर्स ऑफ विजिटेड यहाँ पे इंक्रीज होने, ओके। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही इस पे जाना है, दूसरे इसके ऊपर भी आप जा सकते हो, दोनों को चेक कर सकते हो, ओके। सिंपल, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी इफ होगी सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड ऐसे ही और प्रैक्टिकल वीडियोस को देखने के लिए या और भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो फॉर एन फ्यूचर नोटिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।